हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी पॉइंट 0.7 में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर से जितने भी सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सब के सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी कमेंट लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन होंगे ए पवन कुमार, ऑप्शन बी अमिताभ कांत, ऑप्शन सी प्रदीप सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी अमिताभ कांत। कौन हो जाएंगे? अमिताभ कांत ने डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन होंगे ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी झारखंड और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री ने हमार अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 किसने जीता है? आपके ऑप्शन होंगे ए जर्मनी, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, सी फ्रांस और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? आपका ऑप्शन होगा ए वैक्स, ऑप्शन बी वैक्सीन, ऑप्शन सी पेरसेवेरांस और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी पेरसेवेरांस। कौन जाएंगे? पेरसेवेरांस हो जाएंगे 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य सरकार ने प्रतिदिन 25,000 रैंडम टेस्टिंग का लक्ष्य रखा है? आपके ऑप्शन होंगे ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड ने 25,000 रैंडम टेस्टिंग का लक्ष्य रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विनोद दुआ का निधन हुआ है वे कौन थे? आपके ऑप्शन होंगे ए लेखक, बी पत्रकार, सी गायक और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी पत्रकार। विनोद दुआ का जो निधन हुआ है वे एक पत्रकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत ने किस देश के साथ पहले 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन होंगे ए चीन, ऑप्शन बी जापान, सी रूस और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी रूस। रूस ने 2+2 मंत्री संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य ने तैराकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए SFI के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा राज्य ने तैराकी परिस्थिति तंत्र विकसित करने के लिए SFI के साथ समझौता किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और किस देश के बीच एक्यूवेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन होंगे ए म्यांमार, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी श्रीलंका और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी मालदीव। क्या हो जाएंगे? मालदीव। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 4 दिसंबर, ऑप्शन सी 6 दिसंबर और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 6 दिसंबर।
6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।